Uh -huh, see, then that's ridiculous to me. Like <laughs> on EMF? Yes. That's crazy. Yes. That's cr so that's what I I find it very fascinating, ki, like uh, you know, I was just thinking about this today, ki, like you know, when I was growing up I used to read about all these artists talking to each other at various points in life. You know, ki, this artist saw this one's work and thought of this other thing and I should be like, "Wow." <laughs> like you know what I mean? It's such a it's such a long shot as a child True. and now we are living the life, guys. Yeah, <laughs> ki, yeah. Like, so yeah lab helps lose weight it it does does because my life changed when I joined college यार मैं सोच के गया था लिटरली कि uh, मैं एक्चुअली जो सोच के गया था मेरे साथ वो कॉलेज में हुआ <laughs> <laughs> हाँ मतलब एस के में या केजे में जो कॉलेजेस हैं right. वहाँ पे आप मेरा थ्री परसेंट अटेंडेंस था वो भी सिर्फ एग्जाम्स में मैं जाता था hmm. तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि यार कॉलेज मेरा वेस्ट हो गया है hmm. एक तो पीपल न्यू मी दैट मस्ट बी सो डिफिकल्ट एग्जैक्टली सो दे डोंट ट्रीट यू द वे आई शुड बी ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं मुझे तो yeah, फ्रेंड्स yeah. yeah. बनने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं और वैसे भी मैं केजेस हो मैं वाले फ्रेंड्स आई डोंट थिंक सॉरी नो ऑफेंस लेकिन वहाँ पे नहीं है मेरा वाइब नहीं जमता है फिर hmm. hmm. मैं ट्वेल्थ के बाद आई जॉइंड यूपी कॉलेज विच इज या yeah, yeah, yeah. yeah. uh, रिक्शा वाले को मिठी भाई बोलना पड़ता है तो की छोटी बहन उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट आई वाज इन प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ ओ एग्जैक्टली तुम्हारे कैंटीन में खाना एसपी रिप्रेजेंट तो मैं

ना मुझे right. मार्टिन स्कॉर्सि पता था ना मुझे ब्लैक स्ट्राइट ब्लूज पता था ना मुझे तेजस मैन पता था ना मुझे कुछ भी पता था बट यही होता है ना कि यार आप क्लब सोहो हाउस की मेंबरशिप लो तो आप सोहो हाउस के लिए नहीं ले रहे हो आप वो मेम्बर कल्चर एक्सपीरियंस के लिए yeah. ले रहे हो ना तो कॉलेज के साथ भी मेरा वही हुआ hmm. कि मैंने मेंबरशिप ली एक क्लब की जिसका नाम है यूपीजी और फिर वहां पे मुझे एजुकेशन का तो क्या ही बोलूँ एजुकेशन बी में कुछ होता नहीं है लेकिन लोग Yeah. मुझे yeah. इतने प्यारे लोग मिले और मेरा ग्रोथ मतलब मेरे हिसाब से बहुत नार्सिसिस्टिक हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से मैं कुछ अलग ही मेरा होराइजन खुल गया दिमाग में hmm. और मुझे बहुत कुछ पता चला और मुझे लोग मिले और वो लोगों के कारण शायद मुझे बहुत मज़ा आया।, hmm. hmm. आया और फिर पॉडकास्ट आए मेरे लाइफ में मेरे लाइफ में फिल्म आई मेरे लाइफ में म्यूज़िक आया और फिर अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि uh, मैं ये सब को एक्सपीरियंस कर पाता हूँ एटलीस्ट समझ नहीं पाता हूँ पूरी तरीके से पर पता होता है कि ये कितना ग्रेट है yeah. और शेयर भी करने में मजा आता है exactly, exactly. मैंने कुछ नया सीखा तो नहीं नहीं बहुत 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 ईगो को सेटिस्फाई करता है अगर आप दूसरे को कुछ चीज बता दो yeah. और वो जाके देख ले और बताते भाई तूने मेरी लाइफ चेंज कर दी एग्जेक्टली अभी मेरे साथ ये हुआ मैंने मेरे पापा को दिखा दिया बो बर्नम मेरे पापा सिर्फ गुजराती कंटेंट देखते हैं कपिल शर्मा देखते हैं और मैंने उनको दिखा दिया बो बर्नम और वो एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था <laughs> भले उनको पता नहीं चला कुछ भी लेकिन हाँ। उनका टेक ये 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 था कि मतलब कुछ कुछ अलग है ये, हाँ। कुछ I, है डिफरेंट और वो पता yeah. वो पता नहीं पेरेंट्स के साथ बॉन्ड करने में कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मजा आता है या yeah. 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 मेरे साथ ये मुश्किल तू भी अच्छा करना सुनता है ये तो कचरा ही सुनता होगा। मैं हमेशा लैपटॉप पे रहता हूँ घर पे और घर वालों को यही कंप्लेन होती है यार तू बैठा रहता है तू कुछ करता नहीं है तो मेरा इस पर डिफेंस यही होता है कि यार मुझे कुछ करना नहीं है मेरा बोर होना मेरा काम है अभी मतलब बहुत वो <laughs> साल और से 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 हाँ। हाँ, तो, हाँ। तो है खून में हाँ। तो मैं देखता तो लाइक अभी उनको लगता है मैं कुछ भी फालतू देखता हूँ बट मैं अब रियलाइज किया बताना पड़ेगा मैं क्या देख रहा हूँ उनको पता चले एटलीस्ट ये कुछ ढंग का देख रहा है या कुछ मेरे साथ वही हुआ ना कि

And he touches the TV, and then Storm Aurora asks, yeah. "What are you doing?" He's like, "Learning." <laughs> <laughs> he just yeah. does. So I wish I had the answer when my parents are like, "What are you doing on the computer?" <laughs> Learning. He does that. So now you have context, True. and if you watch it, yeah. it'll be funny yeah. next time. Okay, man. Of all the people who are in TV. इन द कॉमेडी सीन वी नो कि ऐसा रेग्युलरलीक जो दिखने आते कभी कभी शो समाइम्स समबड़ फैन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमेडी बट यू हैव सीन अक्रॉस लाइक यू नो लाइक यू कीप पॉपिंग अप लाइक ओ या यू आर एट दिस शो यू आर एट दैट शो यू आर जस्ट डिस्कसिंग शोर ऑन द से नो या या अच्छा लाइक ये देखने जाया तो मैं देखने नहीं गया मैं देखने गया तो ये देखने नहीं गया क्योंकि मेरा YouTube सीन चालू हो चुका था बिफोर यूपीजी राइट right. मुझे पता नहीं था कि ये बहुत सही चीज कर रहा हूँ मैं <laughs> पता चला यूपीजी में आके कि हाँ हाँ सही देख रहा हूँ तो मैं so, YouTube कंटेंट स्टार्टेड फ्रॉम टीवीएफ हम देन कॉमेडी फैक्ट्री कॉमेडी फैक्ट्री जो उन्होंने स्टार्ट किया था गुजराती में ऐसा कुछ नहीं कर रहा है एंड आई एम एक्सट्रीमली रोटेड मतलब mm, मुझे yeah. बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे घर पर भी लोग बहुत एक्सट्रीमली रूटेड है गुजराती लिटरेचर से गुजरात yeah. से गुजराती uh, पूरा लैंग्वेज से दो आई एम नॉट अ गुजराती Yeah, so I'm not a Gujarati. Man, for, for, a, for a Catholic, it doesn't make a difference. Exactly. We but, hate uh, all equally. But e for, for <laughs> Jews it makes a it makes a huge difference. Yeah. Like in my head, there was a change in column. <laughs> <laughs>

like my belief yeah. system or whatever, because I was very hardcore in the church, okay. Hmm. So, overnight it snapped. Hmm. My mom was like, "Ho that Because I hmm. was bound to become a priest, okay. <laughs> I have the face for it, but, and the body for it, <laughs> and the background for it. But, I was bound to become a priest. I went to church camps and all, okay, in 8th standard. When I was thirteen I was going to the church for doing all this, overnight I was like, mm, you know what? F yeah, this. Yeah. And they were like, okay. I'm like, because you see, and I'm like, Look at this. How are kids in Africa starving when I'm <laughs> well fed over here? Bullshit early on arguments that you try yeah. to, you know, yeah. use the internet as a back. Like Richard yeah. Hawkins, <laughs> so, <laughs> so you're doing all of that. So, you know, my sister and my mom were like dumbfounded as to like how I learned all of this in such a short time. Yeah. And I'm like, kabi, kabi. you know, you will yeah. get to find out uh -huh. how to make an argument yeah, sometimes. Uh -huh. So now my parents are scared of me. yeah जल्दी <laughs> कुछ बोलेंगे इसको ये कुछ और लेके आएगा yeah. थीसिस बट ah. मैं ये सोच करेगा वो सोच करेगा हमारे गांड द वर्स्ट आर्गुमेंट दैट पेरेंट्स गिव भाई तू लॉयर केम नथी बन जाता हां एंड दैट्स व्हाट यू आर एन आर्गुमेंट अरे दैट्स लाइक व्हाई आर मैं तो लॉ पढ़ा है ओके इट्स इवन वर्स कितनी बार माय डैड विल जस्ट बी लाइक नहीं नहीं बार, <laughs> like, बार एग्जाम दे दिया होता मैंने ही पैसा दिया है लॉ करने का अरे यार बट व्हाट टू डू वाज इट वाज इट लेस लाइक Obviously the attention you must have been used to. Uh, yeah. at some point and yeah. you had to get used to it right and not yeah. the other way around yeah so how what was that story like was there any like was it hard was it scary at first no so uh, बहुत amusing था क्योंकि बच्चे होते हो तो आपको मजा आता है लेकिन uh, अम्यूजिंग था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अम्यूजिंग था mm. बट फिर जैसे-जैसे बड़े होते गए स्पेस uh, का uh, मायना पता चलता गया कि स्पेस कितनी इम्पोर्टेंट है hmm. पहले तो स्पेस तो क्या ही इम्पोर्टेंट थी स्कूल से शूट शूट से शूट, स्कूल स्कूल से शूट ही तो था तो मजा आता था लोग तो बोलते तभी थे तभी कैसे uh, मतलब, uh, hmm. थी और फिर वापस नाइट शूट होता था जी पी एल क्रिकेट फॉर ट्वेंटी और तब मेरी एग्जाम्स थी ओह oh, वाओ wow. तो भाई आई मोस्ट ऑफ फकिंग क्रेजी तकलीफ पर वो पता नहीं वो तकलीफ में बहुत मजा आती थी, थी कि यार भाई बहुत काम कर रहा हूँ छोटा हूँ लेकिन बहुत काम कर रहा हूँ बहुत काम कर रहा हूँ हां <laughs> तो मजा आता था, था पता नहीं यार वो काम कर रहा हूँ वो मजा आता था, था <laughs> बट बाद में वही मैंने जब बोला कि स्पेस का जब मायने पता चला तब थोड़ा सा इरिटेटिंग होने लगा क्योंकि लोगों के दिल में ऐसा शो बस गया है कि अभी उनके मेमोरी में मतलब साढ़े आठ हुए खाना है टेबल पे तो वो बटन दब जाता है सब भी लग जाता है उनको वो देखना ही पड़ेगा वो शो उनके बिना उनका खाना उतरता नहीं है और उनको लगता है यार ये तो साढ़े आठ बजे रोज मेरे घर पे आता है ये तो मेरा ही है भाई yeah. तो दे पिंच मी। उनको लगता है की अपना घर का लड़का रोज तो mm. आता है पंद्रह साल है? से लड़का आदमी नहीं हुआ ना उनके लिए नहीं हुआ तो जैसे वेरी फैमिली थिंग तो दिलीप सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो मुझे पिंच करते हैं शो में बिकॉज हाँ, हाँ, हमारा हाँ, टिफ है शो में तो वो मुझे पिंच करते हैं हाँ, तो लोगों को बहुत मजा आ जाता है मुझे पिंच करने में तो हम लोग कहीं पे भी इवेंट्स करने जाते हैं गुजरात में एंड गुजरात तो मतलब भाई आप जिंदा नहीं रह सकते आप मतलब मैं यहाँ पे खुले में घूमता हूँ बट गुजरात में नहीं घूम सकता क्योंकि वहाँ पर लोग आपको मैन हैंडल कर देंगे Hmm. प्यार से हाँ. पर मैन हैंडल करेंगे आपको मैं हाँ. और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज़ ये है ये टाइमर किसने निकाला है मोबाइल में hmm. भाई सेल्फी लेते हो

लेता हूँ फोन मैं बोलता मुझे आता है मैं लेता हूँ हाँ। मैं बोलता हूँ मेरे को देता हूँ क्योंकि एक तो है ना पहले वो लोग लैंडस्केप में नहीं लेते हैं

जो लिटरली उसको प्रॉब्लम है वो कोरोना से के पहले से वो कोरोना फॉलो कर रहा है मतलब उसके गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है जोमोफोबिया है उसको पहले से स्टार्टिंग से वो मेरे साथ घूमता है अब लोग उसको ही बोलते हैं यार फोटो खींच दो <laughs> और उसको वो स्क्रीन हाथ लगानी पड़ती है तो वो मेरे को डांटता है कि टेक अ ब्रेक विल सी यू ऑन द अदर साइड Hello, hello, hello! It's been another great week on the IBM Podcast Network. On probation, step promotion talk, Abhinav explains how global exposure can enhance your personality and career. On future proofing, Eklovia is joined by Garvita Gulati, the water girl of India. They explore how the worlds of Web three and blockchain can help with sustainability. On do what floats your boat, Danish speaks to music composer and producer Mayur Jimani. They talk about his life as a musician on social media and the internet. On IBM likes, Nihil and Antrix talk about the recently announced slate of movies and TV shows by Marvel Studios. And on a niche thing, Anish talks to Aile sagetti She's the founder of the Intimacy Curator and they discussed ethical non-monogamy and polyamory. Once again everybody, remember we have amazing merchandise available. You can go to IBMpodcast.com store or go to our website and you'll be able to see the link. Do check this out. Do buy some stuff. It really does help us out. Do remember, follow us on social media. We're IBM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Remember, if you do tell a friend about a show and they listen to the show, you'll have somebody to talk to the show about. We'd really appreciate it also if you could give us a rating on whatever platform you're listening to us on. And finally, do remember we're also available on YouTube. A number of our shows are available as full video shows, but every show is available on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, both Lifestyle, Small Case, Cap Gemini, and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. Back to Warta Lab Season 4. And forthcoming. Yeah, and there's a uh, there's a little punchline that you missed, but don't don't mind it. Don't mind it. Don't mind it. Never mind. <laughs> Never mind. We are in conversation with Khusha.

अभी रिसेंटली आई वॉज शूटिंग स्मॉल टाउन क्या बोल रहा हूँ फ्यूचर स्टूडियोज़ पता है जोगेश्वरी hmm. हाँ ah, ah. uh, ah. वो एरिया तो काफ़ी शेडी है तो वहाँ पे हम लोग अभी शूट कर रहे थे मेरा यूजुअली है कि ब्रेक में मैं सामने फ्रूट वाला है फ्रूट चाट खाने जाता हूँ hmm. तो तीन दिन शूट कर दो दो दिन शूट कर रहे थे तो पहले दिन तो किसी को नहीं पता था यहाँ पे शूट कर रहे hmm. हैं हम लोग तो हम लोग गए मैं फ्रूट चाट खाया मैं आगे नारियल पानी पीने गया मैं पूरा घूम रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है नेक्स्ट डे उनको पता चल गया कि यहाँ पे शूटिंग हो रहा है और मैं वीडियो दिखाऊंगा आफ्टर द पॉडकास्ट भाई लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं है मतलब सब है ना मैं वो आइल में से वॉक कर रहा हूँ ना तो मेरे प्रोडक्शन वाले हंस रहे कि इसका नहीं बताते हैं <laughs> सब हंस रहे कोई कुछ नहीं मेरे को बोल रहा है गेट्स बंद है मैं बोला गेट क्यों बंद है भाई मैंने गेट खोला मैं गया फिर ये लोग प्रोडक्शन वाले पीछे से आए और हटाया लोगों को क्योंकि मॉब हो गया था वहाँ पे भी बहुत बड़ा मॉब और मुझे काला हो गया है पेट पे तीन जगह पे चिमटी डूड ये तो एक, है एक तो है तो है <laughs> हाँ. नहीं बट है वो कैसा पता डायलॉग बोल के मेरा ही <laughs> मुझे कर रहे रहे हैं और yeah. हो रहे हैं। खुश खुश हैं हो लोग बहुत ज्यादा खुश है पॉडकास्ट बिकॉज आई रियलाइज की ऑडियंस विल आल्सो वॉच दिस और तुम मेरे को नहीं चिमटी खाने का तुम लोग से <laughs> हाँ मैं तो स्टेज पे और भी गंदा चीज <laughs> The last thing I want is for you to ask But me. But this has happened to me, right? <coughs> like where my Z snap is so iconic mm -hmm. from mm -hmm. my opening joke, where I'm like भईया दूध देना। Yeah. Like I've been like at NH7 randomly, other people ask me or some like some bar में people are like just do a Z snap ना। Yeah. Thankfully there's no physical assault. Thankfully yeah. with me. Yeah. Or like because I have some butt sex jokes. Yeah. <laughs> don't want anybody. मेरा वही है वो max to max मेरा college हो में लोग मेरे गांड पे हाथ लगाया बहुत। And it's very confusing sometimes because like uh, you know like it's it's like एक तो they mob around you. Exactly. exactly. I'm like, why are you grabbing my ass? अरे और there? uh, evident man boobs है मुझे हाँ. man boobs का problem है मुझे खाली फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ लोगों से प्रॉब्लम है मुझे हाँ। लोगों को नहीं समझ में आता है क्या करना है उन लोग उसके साथ <laughs> और लोग इतने सेक्सुअली डिप्राइव्ड होंगे अपने देश में यार हाँ। कि पता नहीं

Yeah, but I, but it's, it's. I remember uh, the whole Pungi generation also was so. Oh, long, oh a Beast oh, Pungi piece. Yeah, Peace that, that Pungi. Salman Khan Ugala <laughs> movie me. Oh, okay. Oh sure, shit. Sure. Where everybody was just like twisting nipples. Yeah. It's called purple nipple up, bro. Purple yeah, yeah. nipple. Yeah, yeah. Then it's such a. It's one of those. क्या बोलते हैं उसको यार एकदम ऐसा वो prehistoric human activity. कि yeah. हम um, हम कैसे मस्ती करते हैं एक दूसरे को मार के अरे <laughs> क्या है ये मैं <laughs> अरे मेरे school friends के साथ अब school friends के साथ problem ये है ना कि ग्रो अलग साइड पे वो लोग हुए हैं hmm. मैं अलग साइड पे थोड़ा ग्रो हो गया हूँ hmm. तो थोड़ा ऐसा फील होता है थोड़ा फील होता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा कम बातें करने को hmm. या थोड़ी कम बात होती है करने को क्योंकि वो लोग थोड़े अलग साइड पे मैं अलग साइड पे हूँ तो अब हमारी मस्ती क्या है बट बट अभी फ्रेंडशिप है बचपन से तो yeah. इनसिक्योरिटीज साथ में शेयर की है सब कुछ साथ में शेयर yeah. किया है ना तो वो बॉन्ड भी बहुत है प्यार भी बहुत है तो बात करने को नहीं है तो ट्रिप क्या है मारो तो मारा तो वो सामने मारेगा huh. गाली दिया वो सामने गाली देगा खत्म थिंग दो Yeah. that's a very it, it guy is. thing. That's a, that's yeah. a very guy yeah. thing. Yeah. But that's the thing, right? Like while you were saying that college may kya Mila education uh. to Milani, those right? Uh. And that's been for me also. Like I think engineering caral engineering exactly. But like my friends over there were the best because my best friend Kevin yeah. like became brother to me, but we had the same equation where we would just like abuse each other for no reason. That yeah. was a, that was a love language almost. Yeah. yeah. Where, where I'll twist his you know, uh, flick his nipple and <laughs> run away. Then he'll chase me, then then he'll take my fingers like this. Yeah and I'm like my, my heart, if you can see its pudgy fingers yeah. compare with Akash's hand yeah. right now to yeah, yeah. see how small my my hands are yeah. i should also be on your show by the way for <laughs> having small hands and feet uh, but but

But yeah I get it Like with Dhawal and I It's a very different thing I think with each of my Best friends It's a very uh, yeah. different uh, Equation, also. Yeah, equation also I think Shravan The audio engineer Who, yeah. used to do what, who still edits the episodes Yeah uh, He and I have The very same equation Because with him I, I stop being the Gay fairy that I am yeah. And I turn into Bachi Marjega Marzega and all that yeah. I become Bhindar, He becomes Dharavi And we kind of We, th we thrive on that i Yeah know what yeah, I'm saying? yeah yeah It's, it's yeah. a I know it's it's wrong On many levels And the story began, began With people manhandling Definitely. you But

और फिर तो मैं शो में आया और फिर दुनिया भर के प्रॉब्लम्स मेरे डेटिंग लाइफ में आने चालू हो गए क्योंकि ऑब्वियसली यार आ, मन तो होता है आ, तो फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार कि तू डेटिंग ऐप पे आ जा क्या है तो मैं हमेशा बहुत ना बोलता था कि नहीं यार नहीं 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 यार नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता बट एक वन फाइन डे मैंने बोला यार कर देता हूँ क्या होगा देखा जाएगा तो मैं गया मैं स्वाइप करना चालू किया मैचेज आ गए मैं बोल रहा भाई इतने मैचेस आ रहे हैं क्या सच में मैं खुश हो गया मैं बहुत चैन का नींद सोया नेक्स्ट hmm. सुबह उठा तो लोग बेटा मस्ती नहीं पिकअप <laughs> लाइन <laughs> है बेटा मस्ती नहीं अब ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जोक्स लेता हूँ uh. लेकिन भाई डेटिंग में भी अगर आ जाए yeah. तो भाई वो कैसे मैं डील करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं इसको कैसे डील करूं yeah. मैं अच्छे से डील okay. करूं कि मैं अनमैच कर दूं या मैं yeah. क्या करूं आगे बात बुरे लोग तो नहीं है मैं भी होता शायद मैं यही लिखता हाँ हाँ मैं भी यही They लिखता मुझे yeah. मस्ती करनी है यार कैन आई गिव यू एडवाइस ए समबडी हु वाज ऑन डेटिंग एप्स नॉट नियरली ए फेमस एज यू So whatever would happen would be proportionally less than what was happening to you. You know what I mean? If you used to get 100 matches, I was getting three. Yeah. Uh, but the same thing would happen where they we would establish use that you're lower on the fame side. Move on from that. Much yeah. much <laughs> lower. Yeah. Uh, uh, so, but what would happen is uh, they would do a line from the video. Or they would try to be funny if you take it as ha, ha like, like that that your reaction to it dictates the tone of the conversation true. Yeah. true if you react in a i am secure in who i am way true. then immediately you have the upper hand like then they feel kind of stupid for having done it in the first place exactly. on their own only but hmm. my audiences.

Uh, what I, what do you mean you took? It? What happened that you had to take it graciously? The meme, I ah. took it very graciously. Ah. Conversation started, ah. free flowing conversation conversation नहीं हो रहा था, which was which I was not okay about. Right. लेकिन फिर मैंने बोला यार तू बहुत choosy हो रहा है. एक बार जा के देख ले. क्या होता है? क्या ही हो जाएगा? देख ले. गया नहीं जमा. दो तीन बार गया नहीं ही जमा. नहीं ही जमा. उसके बाद मैंने बोला भाई, universe I surrender. जो होगा देख ले राइट right. अब मैं कॉन्शियस एफर्ट नहीं करता हूँ राइट right. लेकिन हाँ यार मतलब आ, एक तो इंडिया में ये कल्चर नहीं है कि यार पार्टी में मैं जा रहा हूं, चल मेरे फ्रेंड को लेके जाता हूँ ये वाला कल्चर यार बाहर ही देखने मिलता है हुँ. कि यार आई एम फ्रेंड फ्रेंड मैं एक को लेके आ रहा हूं। यहाँ पे तो कौन लेके आता है? है भाई किसी को ग्रुप्स मिक्स नहीं करने तो यहाँ पे वो वाली पार्टीज भी नहीं होती ना वो वाले गै, गैदरिंग्स होते हैं हुँ. तो वो वाला किसी दोस्त के थ्रू दूसरे दोस्त को मिलना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन क्या बता है सोशल नेटवर्किंग या तो या तो हाँ

बट अभी मुझे मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अभी बच्चे का रोल कर रहा हूँ <laughs> शादी पे जाऊँ सीधा यही रोल करके मतलब यहीं पे हूं। I, yeah, it, yeah, yeah. odd, क्योंकि जो मेरे साथ Bumble पे हो रहा वो शादी पे लोग चिल्लाएंगे yeah. <laughs> बोल रहा हूँ मेरे दोस्त ही इंस्टिकेट करेंगे लोगों को बोलने के लिए होएगा और मैं तो बोल रहा हूँ मेरे दोस्त भी इतने हरामी हैं है मुझे नहीं लगता कि यार, अभी तक मैं इतना थॉट तो मैं, मैं yeah. ही नहीं दिया है बहुत टाइम है so, लग रहा तो, करने का और चीज़ में। बहुत बहुत कुछ करना है यार अभी लाइफ में अभी शादी का तो सोच ही नहीं रहा हूँ बट हाँ मैं ग्रीन सिग्नल दे दू तो मेरे घर से तो है यार बोल ही रहे कर ले कर ले घर में

कि हमेशा कोई मॉबिंग हो जाती है कहीं पे तो मुझे वो पीछे से चलाते इट्स कॉल लेवरेज तो बहुत छाती भर जाती है आ, मैं, मैं, फिर मैं बहुत अच्छे से उसको रिसीव करता हूँ कि हाँ हाँ लेवरेज है लेवरेज है करता हूँ तो बहुत सारी आ, इंटीरियर सिटीज़ में जाने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ दिस तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर अंदर के गाँव में गया हूँ मैं गुजरात के अंदर अंदर रिलीजियस <laughs> फंक्शन होते हैं जहाँ पे आई एम द गेस्ट हु इज रेजिंग मनी फॉर द फंक्शन तो आई हैर्थ पीपल कि भाई माताजी नो फंक्शन

बिकॉज आई लव वड़ा पाव इन द शो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ मेरे और मैं और मेरे पापा बहुत ज़्यादा खाते हैं वो दिखाया है तो मैं जहाँ शूट करता था कांदेवली में श्याम नारायण स्कूल में वहाँ पे गोली वड़ा पाव का फर्स्ट ब्रांच खुला था और मैं देख के जा रहा हूँ अभी खोल दिया क्या मेरे नाम पे <laughs> मैं तो बच्चा था यार मुझे लगा मेरे नाम पर खोल दिया <laughs> मैं पापा को फ़ोन करके बोल दिया आपे बोल वो ये आप तो ना चाले हाँ मरन आप बोलू बट टर्न्स आउट के ऑब्वियसली मेरे नाम पे नहीं रखा है और अलग ही स्टोरी है गोलीवाड़ा पाव की लेकिन हाँ यार मतलब मैं मैं वापस वो बात पे आता हूं कि इवेंट्स मैं बहुत छोटे छोटे गांव में इवेंट्स किया है और छोटे छोटे गाँव में मैंने जैसे बोला लोग बहुत ज्यादा प्यार इमोट करते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है ईगो को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उधर जाके क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप बॉडी से सपोर्टेड हो एकदम आप पूरा आपका वो है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑनटराज है और लोग ऑर्गेनाइजर एंड द सिक्योरिटी गाइज हुआ विथ मी सिक्स सेवन पीपल वही है और जो uh, मेरे साथ मेकअप में आते हैं right. कोई भी आता है वो लोग हैं तो uh, ये पूरा ईगो को बहुत सेटिस्फाई करता है यार आपको पूरा हटा के आपके लिए लेन बन रही है और आप जा रहे हो बहुत मजा आता है <laughs> लेकिन उसके साथ आप ऐसे गांव में जाते हो अभी मैं एक गांव में गया था वहाँ की स्टोरी है आ, वो गाँव का यार मुझे नाम याद नहीं है बट मध्य प्रदेश में कहीं पर यह गाँव है वहां पे इंदौर इंदौर के अंदर अंदर कहीं पे नो बट इंदौर, इंदौर गाँगे। <laughs> गाँगे। <laughs> no, <but indoor laughs> के भी अंदर का गांव आप समझ रहे हैं आउटसाइड इंदौर या आउटसाइड इंदौर oh, पता नहीं कहां पे है ये कहां से उतर के मैं कहां गया हूं मुझे पता नहीं उज्जैन उज्जैन पता नहीं कहां पे है मल्टीवर्स ऑफ इंदौर या सो वहां पे सिर्फ वो गांव तांत्रिकों का गांव है ओह अब मुझे नहीं है इतना पता नहीं मैं इतना बिलीव नहीं करता कि ये सब होगा नहीं होगा वो बात का बात है भाई लेकिन जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरहा हूँ मुझे यहाँ से बोला है कि रात को जल्दी निकलना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली मुझे बोल रहे हैं रात को जल्दी निकलना पड़ेगा रात को जल्दी निकलना पड़ेगा तो मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ निकल जाएंगे भाई ऑर्गेनाइजर को मुझसे ज़्यादा जल्दी क्यों है भाई मुझे जल्दी होना चाहिए उसको क्यों है बताया जल्दी निकलना पड़ेगा भाई जल्दी निकलना पड़ेगा हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं रात हो गई अभी ये माता जी का ही फंक्शन था वहाँ पे सब तांत्रिक लोग हैं एवरी फैमिली इज़ अ तांत्रिक फैमिली ओवर देयर और वो जो स्ट्रेच है वहाँ का जो ड्राइवर है वो हम लोग को जब वो वापस आ रहे थे बोल दिया था हम लोग को कि आँख बंद करके सो जाओ जागने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग सो जाओ क्योंकि ये स्ट्रेच में बहुत ऐसा होता है कि हम लोग सोल्स विटनेस करते हैं या कोई अन आ, ये नेचुरल एक्टिविटी नहीं होती है बहुत आ, ये होता है भूत वूत का सीन होता है या कुछ भी यार पता गाड़ी के सामने आ जाते हैं रुकते गाड़ी पता नहीं वही नॉर्मल स्टोरीज जो होती हैं वो बोला मैं तो बिलीव नहीं कर रहा भाई मेरे साथ जो थे वो सो गए मैं नहीं सो पाया मैं मोबाइल पर था मैं कॉन्स्टेंटली मोबाइल पर और मैं ये मैंने बात भूल भी गया था मैं अचानक से वो गाड़ी ब्रेक मारती है बोलता है दो मिनट रुको दो मिनट हेडलाइट ऑफ कर देता है वो ड्राइवर रोक देता है गाड़ी कि अभी आगे नहीं बढ़ सकता मैं दो मिनट क्योंकि पता नहीं उसको कुछ दिखा सामने या नहीं दिखा पता नहीं तो मैं भाई मैं मोबाइल वोबाइल बंद कर दिया मैं बोला क्या चल रहा है भाई ये एक्चुअली होगा तो और मैं पीछे बैठा हूँ तो भाई मेरी वाट लग गई मैं बोला मैं क्या करूँ यारे समझ नहीं आ रहा है और फिर उसने बोला तीन लोग गए आज उसको अगर मैं पास कर देता तो वाट लग जाती hmm. तो अभी फिर हम लोग जाते फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे और फिर वहां से गए तो पता नहीं ऐसे अजीब अजीब बहुत एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ hmm. अलग-अलग अंदर-अंदर इंटीरियर्स इस में गांवों में ओ मैन दैट्स सो स्ट्रिपिंग टू दिस सिमिलर थिंग हैपेंड टू अस इन गोवा वंस वेयर देयर इज अ फोल्ड मैं तो होलसेल का बूथ है हां बट लेकिन ये बूथ थे भी नहीं ना अच्छा सो द होल थिंग दैट सो सो वी हैड गॉन लाइक ऑन बाइक्स सिक्स ऑफ अस ऑन Three bikes, I think, mm. and we went to like this one watchtower which they are like it's haunted or whatever. Mm. So we are there and we are all like in, in darkness, and then we hear scampering noises. So we are like, khya hoa, khya hoa? and then we turn the night on, mo there are langurs or whatever, mm. monkeys running around. So we're like, cool, whatever. Then we bike down back, and it's like a slope you have to climb up to the watchtower. Mm -hmm. So we're coming back down now. And this road has nothing for like miles. But three men just jump out of nowhere in the middle of the road again, just like three of hmm. them. And they, they try to scare the bike because it's a haunted area and they have this they just try to scare us. Yeah. And then they laugh when we were we, we all freaked out and stopped the bike. And uh -huh. then we were like, fuck it, this is go, And then when we drove off, they were laughing behind us, which uh -huh. was basically a prank. And they, I had this, I had gone to punch ginya

Talking to these guys, they had gone to Goa to get somebody out of a house that they owned, some uh, landlord related situation. Guy tells them there is a festival that happens every two years in Goa, which is a devil worshipping festival. Okay? I don't know if you've heard of this. It's no. a village where seven kids were murdered because they were thought ki these children have committed some crime. The kids were innocent. And as a forgiveness, the village people offer penance. Achha. How? These seven people or whatever number of people are buried up to their necks in soil for seven days. No food, no water, nothing. Then they chiro the this thing and collect the blood. And then they use some three dudes ka heads as stove and cauldron rakke jalake they cook food and all. And then basically on the last day, it is almost no moon or half moon or something like that. And these people they are let loose. फ्रॉम द ग्राउंड एंड वन दे आर लेट लूज इन इनसेन फ्रेंडी एंड बेसिकली अगर पूरा गोवा में अपेरेंटली वो टाइम पे दो घंटा लाइट बंद हो जाता है पावर एंड दिस रन

एंड देन द गाईज लाइक वी वर फ्रोजन विद फीवर बिकॉज जो चीखे करते वो इनह्यूमन ऐसा लगता है कि इंसान है ही नहीं वो पूरा डिमंड टाइप चीख रहे वो लोग और भाग रहे इधर से उधर और वो लोग ऐसे भाग मतलब इनह्यूमन स्पीड पर भाग रहे वो लोग एंड देवर रियड आउट अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड देन एट द एंड ऑफ ऑल दिस द समलैश द टायर्स ऑल्सो सो देन देवर बाइकलेस

my friend Terence is also Gandu only. So yeah. like he'll drive in some corner of like यहाँ यहाँ पर रास्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे beach और बाद में ocean है headlights बंद गाड़ी का lights बंद गाड़ी is locked okay and now we have to listen to the fucking all the stories for the next twenty minutes so we used to enjoy and then even when we used to go to college trips yeah uh, like we are going by train to Delhi or whatever right mm. so from Bombay we have so much time to kill so like some nine of us are in one compartment area where it's only for three people or whatever you are like all squeezed in and we're telling the story so the first time i told my friends bloody mary wala story yeah. where like bloody mary was mm. like mirror maine dekhne ka ha mere mere ki teen baar bolega to kya 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 nahi malum are so if you say bloody mary three times looking at the mirror don't she, tell me i don't want to access she appears behind you yeah you, you can hear it when your ear there's no there's no video What? To silence that <laughs> so so mirror bhi crack hota hai ha mirror bhi crack hota hai and then she's in the room with you <laughs> I, <coughs> I, I don't know why I thought taking off the headphones would make it stop. <laughs> <laughs> yeah, it's the yeah, you're on a curse also, right? Uh, so what? Did you... I don't know. Uh, so, so, my so her child were. Ah. Anyways, <laughs> she's looking for two kids who have lost in the river. Oh my God! So oh my God! There's a ghost. In, comes and haunts kids. Yeah. i been interviewing a kid on the podcast today. <laughs> I don't want to know. Uh, so then one friend of mine, Brioni, who was like.

मिरर में जाके बोल देते थे टू ड्रिंक्स इन फेस टू स्कैरी मैं मेरे को अभी रिसेंटली ना सो आई आई जेन्यूनली दिस इज द थिंग दिस इज व्हाट टेरिफाइज मी द मोस्ट ओके आई बिलीव दैट देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस राइट सो देयर हैज टू बी अ पैरेलल यूनिवर्स वेयर देयर एग्जिस्ट्स अ बीइंग दैट कैन ट्रैवल अक्रॉस यूनिवर्सेस एंड कम एंड फक विद मी या राइट सो देन Why are you? Why are you trying to don't in, incite <laughs> they but will come for you why do you think this being is only after you no because there's an infinite number of parallel universes you know what i'm trying to say so yeah. there has to be one universe where every single thing in that universe just yeah. wants to scare the fuck out of me you know and yeah. and you and you yeah. and you so just i'm just saying just don't i don't even believe in like the like, occult is a different thing, but like I don't believe in religion, right? But this one thing that mm. happened to me, like, I know ghost stories to an extra level. People add mal masala, mm. <laughs> nein, nein, ha, ha, ha. But I personally jo witnessed and I can't stop thinking about this right yeah. now because I'm. So, my neighbors went into black magic, okay? The ones above. And we didn't know until they were thrown out of the building, essentially. Because they would do all that wood when nail, Neil Kala body, and all that. Ah, so, kala ah, jado, okay, fucking crazy shit. So,.

I went to clean the house out. No, there was one day from a manja, there was a talisman hanging to my window, okay? Very balcony, okay? With like four squares and like e symbolism and everything. <laughs> and I'm just like a curious 13 or 12 year old kid. I'm like, and I used to wear the rosary back then because that was, my mom used to pick mm -hmm. me. So, and I'm very curious, And I'm like reaching out for it. I'm reaching out, I'm reaching out. I touch it, and I killed you or not, the rosary ricochets back into my fucking eyes, good. Like it got caught in the in the bracket over there in the window, or the sliding pane It caught stuck over there, hit me, and I had to let thing let that thing go and fell down. It's almost like Jesus was like, "Don't do this." Yeah. I I don't think about it like now. Circumstantial be ho sakta. Uh, like But why then? Yeah. I've I've hung out my window with my rosary on for years. Yeah. Never has it like ricocheted out like that. It it hurt me personally, just to make sure I don't touch it. Yeah. And I'm like I'm still thinking about all, after all these years. Maybe there is like a whole element. Jai, to, I don't, to okay, it's been man great, guys. I'm gonna <laughs> head out while it's still sun 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 outside. Oh shit. I, I have to do the Mangalore story, right? Oh god. Oh sun may be Do I have to hear I, these things? And the Mangalore story is the scariest because when I found out the real reason behind it, I was fucking freaked out. There's one of those psychological thrillers, right? Where three AM I have to go take a dump. And Mangalore may have outhouses. Don't bathroom. You have to go out and walk.

Like, such, 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 Like, somebody has shackles and they're banging the wooden door. Yeah. And I'm like, none of my family members will do this. They won't come, they, they'll knock the door, but they won't come with like iron chains. Mm. Yeah. And I'm like, what is happening? What is happening? I stay there. I, I'm probably inside the bathroom for half an hour, okay? The lights also flickering at the same time. Every or element has to happen then only. Mm. <laughs> I wash up and I'm like, fucking, now I'm just gonna open the door, bolt in, okay? Close mm. my eyes and bolt in, okay? And I do that again and the cats again again the door. <laughs> I go inside and I lock all the doors behind me as I go like, mm -hmm. oh, and I quietly like under the sheet, I'm trembling, I'm trembling, mm -hmm. okay? Tremble this whole gamut around 4.30 mm -hmm. in the morning. Eight o'clock, the entire family wakes up and I'm like asking them, were any of you mm -hmm. near the bathroom when I was there? They're like, No, not all of us were sleeping. Mm -hmm. So I'm like, then this happened to me. I'm telling my grandmom, like my uncle's mother-in-law, mm -hmm. who lives there, right? And she like, Yeah, that too happens over here because their house is on a turning. Where a lot of accidents happen. And apparently, a few years ago, they were transporting a prisoner. Okay? And that whole car overturned. Everybody died, but this prisoner was never found. Okay? He escaped into the wilderness behind the house, and mm. nobody's found him still. So that was the outcome of the story. And I was like, fuck, dude, who the fuck has a crazy chain prisoner running around for all these years in the wilderness? Oh, it kind shit. of fucks with your brain.

ओके फिर लेपर्ड स्टोरी लेपर्ड स्टोरी मैं बताऊ कैन गेट बिहाइंड बट फिल्म सिटी में आपको फील हो जाता है कि भैया

That I had to I had gone to New Zealand. Like I would I had in Christchurch, I couldn't enter that fucking place. Yeah. And uh, it was some old structure shit. And then like I I was like reading about the history of that place and there was some fucking murder and this and that and that. So I I'm telling oh, yeah, you. Kantar also I have to uh, And Upar say Khandar, like last time we went to Umargam, like uh this Shubhan all was there. Everybody was there, like the big when we went all in a group. Mm -hmm. And my friend is basically telling me, ki, यहाँ आत्मा नहीं है यू नोट आई मीन लाइक यहाँ आईक लिसन mm -hmm. like, <laughs> <fuck off." Like, laughs> okay? रात को जब लाइट जाएगा ना मेरे को ही जाना है जनरेटर तक फार्म हाउस इट्स लाइक नॉट नॉट अ कूल प्लेस इफ यू जस्ट लाइक ओके वॉकिंग ग्राउंड नहीं जो फट्टी हुआ पे ना इट्स लाइक वेरी स्केरी लेकिन फिर आप अकेले कैसे रहते हो यार पंजगिनी में

तो बच्चे थे यार हम लोग किसी के हम लोग मतलब ड्राइवर से तो ड्राइवर को बोलते थे यार हेलीपैड ले चल हम लोग वहाँ जाएंगे और बस ना गाड़ी की ना हेडलाइट बंद करके बैठे रहेंगे हुँ. देखना है क्या होता है कुछ हुआ <laughs> नहीं लेकिन एक आपको फीलिंग आ जाता है कि वहाँ पे एक तो यार भूत का डर है ऊपर से वाइल्ड एनिमल्स का डर है ना भाई वहाँ पे हमारे सेट के सीसीटीवी कैमरा में एक बार पकड़ा गया है मतलब आया है लेपर्ड आया है और अभी तो बहुत अभी तो न्यूज़पेपर्स में भी इतना है कि अभी इतना बढ़ गया है लिटरली uh, मेरे पास uh, मेरे स्पॉट वाले दादा uh, मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि वो uh, जब फिल्म सिटी से सुनील मैदान है उधर जहाँ पे सबका शूटिंग होता है वहाँ पे तीन बच्चे लेपोर्ड के भागे मैंने वीडियो देखा है oh एक्टिवा के सामने और वो लोग खेल रहे हैं टायर से ah, ah. पीछे भाग रहे हैं भाई पीछे भाग रहे उनके ये वीडियो है <laughs> तो लेपर्ड स्टोरीज प्लस वहाँ पे बी एन एच एस है हाँ। तो हम लोग बी एन एच एस में बहुत जाते थे क्योंकि बहुत मज़ा आता था वहाँ पे एक जो ट्रैक है ना तो बचपन में लगता था भाई ट्रैकिंग करके आए तो हम लोग जब भी जब भी ब्रेक व्रेक कुछ भी होता था शूट में हम लोग बी एन एच एस जाते थे एनिमल्स देखने तो वहाँ पर भी वो जो ब्यूटीफुल ट्रैक है पर वहाँ पर पता चलता है यार कुछ ना कुछ तो गलत है 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 और एक बार मैं और मेरा जो वहाँ पर प्ले करता है कैरेक्टर एक बंदे के साथ मैं गाड़ी में बैठा था शाम के साढ़े छः सात बजे होंगे

नहीं नहीं है हॉरर को बस है दिखते मुझे बस है नहीं मुझे मुझे डराया गया था पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ लिया था या किसी ने मुझे बोला था कि ट्राइडेंट होटल में थर्टीन फ्लोर ही नहीं है <laughs> और वहाँ पे ट्राइडेंट होटल में फोर्टीन थर्टीन फ्लोर नहीं है बिकॉज थर्टीन तो नहीं हाँ तो अभी ये उन लोग का दूसरा कोई लॉजिक होगा या कुछ होगा पता नहीं यार तो ट्राइडेंट में हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो मैं कॉन्सेंटली मम्मी पापा को रहा हूँ भाई मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि मेरे को डर लग रहा है मैं बच्चा था भाई मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई उसमें तेरवा माला नहीं है क्या पता वो चौदह माले पे हो ट्वेल्थ फ्लोर पे वो वो हो नाधुन वाला क्यों ही देखोगे आप पार्ट ऑफ

नहीं बट काफी लोग हैं जो पता नहीं उसको टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी मुझे नहीं पता है कोई लोग टच फील कर सकते हैं कोई लोग आवाज सुन सकते हैं या, या, या तो कोई लोग देख सकते हैं तो बेसिकली हाँ। उनका ये पर्पस होता है कि उनको हेल्प करना होता है वो स्पिरिट्स को ऐसा लोग कहते हैं यार पता नहीं It's been another great week on the, uh, I just I look at it able. as a different dimension where That's like, what? it's a different plane of existence and we're yeah. all chilling where, like we are. I yeah. I'm yeah. yeah. ah, Think okay. of it like that. It it works for me as long as yeah. it's that. The, In that dimension is called <laughs> Larta Web. So i we are like <laughs> 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 with this. Fair.

This Don't is just be the beginning of my career, and it's too late now. <laughs> <laughs> so here we are. It's too late. All right. All right. Chalo. Chalo. See you okay. next week, guys. Chalo. Thank, chalo. Thank you, guys. Chalo. Thank chalo. You guys.